हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी। क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। सब पहले हम क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर आप किसी नंबर में से 1/2 को माइनस कर देंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और उस रिजल्ट को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 1/8। तो आपका जो आंसर होगा वो 1/8 आएगा। व्हाट इज द नंबर, और हमें बताना है कि नंबर क्या है। तो हम नंबर को x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, जो आपने नंबर लिया है उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा नंबर है x, उसमें से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और इसके रिजल्ट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/8। ये आपकी इक्वेशन बन गई। नाउ यू कैन सॉल्व। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/2x एंड 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4 देन इक्वल्स टू 1/8। नाउ 1/2x को हम यहीं रहने देंगे और 1/4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 1/2x, 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे हम, 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 4 4 2 8। तो हमारा एलसीएम है 8। 8 के टेबल में 8 1 टाइम्स में आता है, 1 × 1 = 1। 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है, 2 × 1 = 2। सो 1/2x, 1 + 2 = 3/8। नाउ वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 8 × 1x = 8x एंड 3 × 2 = 6। सो एक्स इक्वल्स टू 6/8। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। सो एक्स विल बी 3/4। तो हमारी एक्स की वैल्यू जो आई वो 3/4 है। तो हेंस वी कैन से द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का वो है 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है और ब्रेथ के ट्वाइस है। वॉट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, तो हमें बताना है कि पुल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। सो लेट द ब्रेथ ऑफ पुल बी एक्स। देन हम लोग की लेंथ क्या होगी, देन द लेंथ ऑफ द पुल B देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर हमारी ब्रेथ x है तो लेंथ 2x प्लस 2 होगी।
इसके बाद हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया है इक्वल्स टू 154 मीटर. देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l प्लस b. हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 154 मीटर. देन 2 हमारी लेंथ है 2x प्लस 2 और ब्रेथ है x. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 154 इक्वल्स टू 2, 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x प्लस 2. देन 154, अब हम 2 को नीचे ले आते हैं और यहाँ बचेगा 3x प्लस 2. 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 7s are 14. So 77 equals to 3x plus 2. 77 plus का 2 इधर आके minus का 2 हो जाएगा equals to 3x. 77 में से 2 जाएंगे तो 75 equals to 3x. So x equals to 75 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 3 5s are 15. So x be 25. Now we can find the length. The length be 2x plus 2. So 2 into 25 plus 2. That is 50 plus 2. 52. So the length of pool be 52 meter and breadth be 25 meter. Our third question is, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर. आइसोसेलस ट्रायंगल का बेस है वो है 4/3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 4 2/15 सेंटीमीटर. तो हमें बताना है कि जो दो इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ क्या होगी. आइसोसेलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. तो लेट द इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर. देन आवर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बी गिवन equals to 4 2/15 centimeter. So we can write 62/15 centimeter. Perimeter of triangle का formula होता है sum of all sides equals to 62/15 सेंटीमीटर. सम ऑफ ऑल साइड्स जिसमें हमने दो साइड्स को x माना है, x प्लस x और उसका बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर equals to 62/15. Now x प्लस x equals to 2x. 62/15 4/3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 4/3 इक्वल्स टू 2x. 15 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 5s are 15 3 1s are 3 5 1s are 5. तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया? 15. 15 के टेबल में 15 वन टाइम्स में आता है. So 1 into 62 equals to 62. 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है. 5 into 4 equals to 20. Then 2x, 62 में से 20 जाएंगे तो 42 बचेंगे upon 15. Now अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2x into 15 equals to 30x equals to 42.
सो x इक्वल्स टू 42 अपॉन 30. 3 वन जा 3, 0 का 0, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, 2 फाइव जा 10, 2 सेवन जा 14. तो जो हमारा x होगा वो होगा 7/5. और हम इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर होगा 1/2/5. सो हैंस इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल बी वन टू बाय फाइव सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर फोर इज सम ऑफ टू नंबर इज 95. इन्होंने बोला है कि किसी भी दो नंबर का अगर हम सम करते हैं मतलब प्लस करते हैं तो 95 आएगा. इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, और अगर एक नंबर पहले वाले नंबर से 15 ज्यादा है तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं. Let the number be x. Then another number be x plus 15. And sum of two numbers be equals to 95. Now, according to question, x plus 15 equals to 95. X plus x equals to 2x plus 15 equals to 95. 15 को हम राइट साइड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. 2x equals to 95 minus 15. Then 2x be equals to 80. Then x equals to 80 divided by 2. तो हमारा x जो है वो 40 आ जाएगा. सो द फर्स्ट नंबर भी 40 एंड अनादर नंबर भी 15. So 40 plus 15 equals to 55. Question number 5th is two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? Question में बोला गया है अगर दो number का ratio है 5:3 और वो डिफर कर रहे हैं 18 से. डिफर मींस माइनस. सो व्हाट आर द नंबर्स? तो नंबर्स क्या होंगे? तो जब भी आपको 5:7 या कोई भी चीज रेशो में दी हो तो आप उसको क्या मान लेंगे? x 5x:7x. लेट the numbers be five x and 3x.
Now, according to question, क्वेश्चन में बोला गया है अगर ये दो नंबर 18 से डिफर करते हैं मतलब माइनस करते हैं तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18। फाइव एक्स में से 3x जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू 18। देन x इक्वल्स टू 18, ये जो मल्टीप्लाई है ये नीचे आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 2। देन x 2 1 2, 2 9 18, तो जो हमारा x है वो 9 आ जाएगा। हमने नंबर्स क्या माने थे, 5x एंड 3x। सो हेंस द फर्स्ट नंबर बी फाइव एक्स सो 5 × 9 दैट इज 45 एंड सेकेंड नंबर बी 3x सो 3 × 9 दैट इज 21। So we can say our first number is 45 and our second number is 21। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।